हेलो दोस्तों, मैं पवन मलिक, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मलिक में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में, जॉब के बारे में, कि अगर आप जूनियर असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और क्या इसका वर्क होता है जूनियर असिस्टेंट का, क्या सैलरी होती है जूनियर असिस्टेंट की। तो इन सभी बातों पे आज की वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप जॉब से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड या किसी कोर्स से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें, जिससे फ्यूचर में हम इस तरह की वीडियो अपलोड करते हैं तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं डिटेल से जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में। तो दोस्तों, यहीं पर पहले हम बात कर लेते हैं कि जूनियर असिस्टेंट जो है वो कौन होते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि आप गए होंगे काफ़ी गवर्नमेंट ऑफिस, तो वहाँ पे आपने सुना होगा कि बाबू या क्लर्क का नाम, काफ़ी बार आपने सुना होगा कि बाबू या क्लर्क का नाम। तो ये इस तरह के जो डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि बिजली विभाग हो गया, सिंचाई विभाग हो गया, बैंक हो गया, या प्राधिकरण वगैरह के जो दफ्तर होते हैं, जमीन वगैरह के रिलेटेड जो काम होते हैं, या काफ़ी और भी जो कार्यालय वगैरह होते हैं गवर्नमेंट के, वहाँ पे आपने बाबू या क्लर्क का नाम काफ़ी बार सुना होगा। तो बाबू और क्लर्क जो होते हैं, इन्हीं को जूनियर असिस्टेंट बोला जाता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि जूनियर असिस्टेंट जो होते हैं, इनका वर्क क्या होता है, या बाबू का वर्क क्या होता है, क्लर्क का वर्क क्या होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप जिस भी विभाग में है, या बाबू या क्लर्क जो वो जिस भी विभाग में है, वहाँ पे उनको एक फाइल दी जाती है, तो उस फाइल के ऊपर उनको काम करना होता है। जैसे कि फाइल हो गया, एक प्रोजेक्ट हो गया, फाइल के नाम पे कोई प्रोजेक्ट हो गया, तो उस प्रोजेक्ट में जिन जिन डॉक्यूमेंट्सों की रिक्वायरमेंट है वो डॉक्यूमेंट्स उसमें लगाने हैं, जिस किसी से मिलना है उसमें रिक्वायरमेंट है किसी से मिलने की, उनसे मिलना है, उस काम को यानी कि पूरा करना, उस फाइल को पूरा करना है एक तरीके से। तो इसी तरीके से एक, अगर छोटा ऑफिस है तो एक फाइल है, अगर बड़ा ऑफिस है तो वहाँ पे दो तीन फाइलें आपको दी जाती हैं, जिन सभी फाइलों पे आपको वहाँ पे काम करना होता है। और जब भी आपको रिक्वायरमेंट होती है, अपने अधिकारी वगैरह को वो फाइल दिखाना होता है, अपडेट वगैरह उनको करना होता है, जो वहाँ पे बड़े अधिकारी होते हैं उनको, और उनसे सिग्नेचर वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है वो कराने होते हैं टाइम टाइम पर, यानी कि उनको अपडेट कराना होता है। तो इसी तरीके से बाबू या क्लर्क का वर्क होता है सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंटों में, जैसे भी हो गए, ये बिजली विभाग हो गए, या सिंचाई विभाग हो गए, या जो भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हो गए, उनमें इसी तरह से जो है बाबू या क्लर्क या जूनियर असिस्टेंट जो है वो वर्क करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि हमें जूनियर असिस्टेंट बनने के लिए जो है वो क्या हमारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने ट्वेल्थ जो है वो अपना पास किया हो, चाहे किसी भी साइड से आपने पास किया हो, आर्ट साइड से किया हो, कॉमर्स साइड से किया हो, या साइंस साइड से किया हो, इसमें कोई मैटर नहीं करता है, बस यहाँ पे आपने ट्वेल्थ अपना कंप्लीट किया हो। और इसके साथ साथ आपने एक ओ लेवल का एग्जाम होता है और एक ट्रिपल सी का एग्जाम होता है, जो बेसिकली इनमें बेसिक कंप्यूटर कोर्स जो है इनकी नॉलेज जो है वो आपको होनी चाहिए, और ये एग्जाम आपने पास किए हो। और आप इसके बारे में अगर डिटेल से जानना चाहते हैं ट्रिपल सी या ओ लेवल का, तो मैं आई बटन में इनके लिंक दे दूंगा, वहां आप क्लिक कर सकते हैं और पूरी जानकारी जो है वो ट्रिपल ई और ओ लेवल के बारे में आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने ये कोर्स किए हो और इन कोर्सों में जो है वो आपको बेसिक कंप्यूटर की जो नॉलेज है वो यहाँ पे इस कोर्सों में कराई जाती है, और उसके बाद इनका एग्जाम होता है। और क्योंकि दोस्तों, आजकल आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाइए, वहाँ पे कंप्यूटर पे ही वर्क होता है, तो इसलिए जो है गवर्नमेंट जो है ये ट्रिपल सी और ओ लेवल के जो एग्जाम की जो पास है वो मांगते हैं। और अगर आपने ये नहीं किया हो और आपने यहीं पे अगर कोई भी टेक्निकल इस तरह से क्वालिफिकेशन की हुई है, या तो आपने बीसीए किया हुआ है, या बीटेक किया हुआ है, एमसीए वगैरह किया हुआ है, तो भी आप इस एग्जाम में जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑलरेडी जो है वो कंप्यूटर के नॉलेज होती है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आपको यहाँ पे बेनिफिट होगा, क्योंकि ग्रेजुएशन अगर आपने किया हुआ है तो यहाँ पे आपको एग्जाम में जो है एक्स्ट्रा मार्क्स जो है ग्रेजुएशन के मिलते हैं, या आपने यहाँ पे स्पोर्ट्स से कोई सर्टिफिकेट आपके पास है तो भी यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, जो कि आपका जॉइनिंग वगैरह में जो है वो हेल्प करता है। टोटल मार्क्स वगैरह जब देखे जाते हैं तो वहाँ पे कुछ मार्क्स जो है वो आपको यहाँ पे नंबर वगैरह जो है वो मिलते हैं, तो उनके बेस पे जो है आपको काफ़ी पॉइंट वगैरह मिलने की वजह से फ़ायदा होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि बाबू या क्लर्क या जूनियर असिस्टेंट बनने के लिए किस तरीके से हम एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, किस तरह से हम पास कर सकते हैं, और किस तरह से हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पहले रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम में आपसे जी के
और यहाँ पे करंट अफेयर और रीजनिंग से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्हीं तीनों सब्जेक्टों से जो है वो आपको रिटन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पे अगर ये आप क्वालिफाइन कर लेते हैं, ये एग्जाम पास कर लेते हैं, तो उसके बाद यहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट होते हैं, टाइपिंग एग्जाम होते हैं। उसमें आपको इंग्लिश में जो है वो 30 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए और हिंदी में आपका 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। अगर ये आप पास कर लेते हैं तब आप ये जो है ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि इसमें जो है अब इंटरव्यू जो है वो इस पोस्ट के लिए अब नहीं होता है। कहते हैं कि जूनियर असिस्टेंट या बाबू या क्लर्क की जो है वो सैलरी क्या होती है दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और होना भी चाहिए क्योंकि सैलरी वगैरह जो है वो काफ़ी मैटर करती है। तो यहाँ पे अगर आप फ्रेशर हैं, आपने ज्वाइन किया है, तो आपकी सैलरी जो है वो 26 से लेकर 27,000 के अराउंड जो है रहती है, क्योंकि वो सभी विभागों का अपना थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता है। सिंचाई विभाग का अलग होता है, बिजली विभाग का अलग होता है, बैंक वगैरह का अलग होता है। तो ये अराउंड जो है वो 26 से लेकर 27 के अराउंड जो है सैलरी रहती है। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस वगैरह बढ़ता रहता है तो यहाँ पे आपका अप्रेजल वगैरह जो है, इंक्रीमेंट वगैरह जो है वो होता रहता है। 6 मंथ में अराउंड जो है इसका अप्रेजल और इंक्रीमेंट वगैरह जो है वो होता रहता है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि आप किस तरीके से जो है एक जूनियर असिस्टेंट बन सकते हैं। और दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूं फिर से कि ये एक बहुत अच्छी पोस्ट है। अगर आपने 12th अपना पास कर लिया है या ग्रेजुएशन वगैरह आपने कर लिया है या आपने बीटेक बीसीए भी किया है तो आपको एक बार जरूर इसके लिए ट्राई करना चाहिए। बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छा फ्यूचर है इसमें अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं। और तो मैं यहाँ पे लास्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं इसका आंसर कर दूंगा जो भी आपके कोई क्वेश्चन वगैरह होगा। और अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों के पास जिनको इस तरह की वीडियो की रिक्वायरमेंट है। और आप अगर नए हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पर क्लिक करें, जिससे फ्यूचर में हम इस तरह की वीडियो अपलोड करते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।